दशनामी संप्रदाय के विख्यात कथावाचक गिरि बापू ने मंगलवार को शिव महापुराण कथा में पुलवामा हमले के शहीदों को याद किया। उन्होंने कहा कि मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देव भक्ति के साथ देशभक्ति भी जरूरी है। युवाओं को राष्ट्र रक्षा के लिए जाना चाहिए। ए मेरे प्यारे वतन, देशभक्ति गीत सुनाते हुए पुलवामा हमले के शहीदों को याद करते हुए सैनिकों को नमन किया। कथा के दौरान बापू ने संदेश दिया कि हर भारतीय का नैतिक दायित्व है कि रक्तदान और मतदान अवश्य करे। राज्य और राष्ट्र के विकास में अच्छी सरकार चुनने के लिए मतदान आवश्यक है। अगर संभव हो तो मरने के बाद अपने शरीर का भी देहदान करे। कथावाचक ने कहा कि देश में जितनी आवश्यकता मंदिरों की है उतनी ही आवश्यकता स्कूलों की भी है। अगर गाँव शहर में स्कूल होना चाहिए, इन्हें स्कूलों में हमारे देश का भविष्य तैयार होता है। दुर्भाग्य है कि इस देश में सरकारें विकास कर रही है लेकिन सरकारी स्कूलें दुर्दशा का शिकार हो रही है। यदि दान करना है तो पाठशालाओं के विकास में सहयोग करें। भ्रष्टाचार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश में बांध सड़कें बनते ही टूट जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई विकास कार्य हो तो जनता निर्माण पर नजर रखे। बापू ने ब्यावर की बेटी पायल वैष्णव का उदाहरण देते हुए बेटियों की रक्षा के लिए किए जा रहे उसके कार्य को सराहा। उन्होंने संदेश दिया कि हर परिवार और पिता को अपनी बेटी पर गर्व होना चाहिए। हर पिता अपनी बेटी को इतना प्यार दे कि उसे प्यार के लिए घर से बाहर न जाना पड़े। बापू ने कहा कि निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति के लिए भटकना नहीं चाहिए। भगवान शिव की आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है और शंकर भगवान की कृपा से प्राप्त हुई संतान देवतुल्य होगी। बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्टफोन के साथ रुद्राक्ष की माला अवश्य दे। कथावाचक ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि वृक्ष धरती का श्रृंगार है। फूल पत्तियां वृक्ष की शोभा है, इन्हें कभी नहीं काटना चाहिए। जल संरक्षण करें, जल से ही सृष्टि है। मंगलवार को कथा में दिल्ली हरिहर आश्रम से महंत सुयोग्य मुनि महाराज, हरिद्वार से महामंडलेश्वर जगदीश मुनि महाराज, महामंडलेश्वर स्वामी कपिल मुनि महाराज, अमृतसर महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यांबर मुनि, पंजाब से महंत किशन मुनि, विहिप केंद्रीय मंत्री उमाशंकर शर्मा, सूरत से दिनेश पटेल समेत देश भर से आए कई संत और हजारों श्रोता शामिल हुए। आयोजन समिति अध्यक्ष शंकरलाल प्रजापति, मंत्री राजेश शर्मा, कार्यक्रम संयोजक राजेश प्रजापति, मनीष शांका, रामकिशोर चौहान, गणपत सर्राफ, सुमित सारस्वत, राजेंद्र ओस्तवाल, ओम प्रकाश प्रजापति, सुरेश वैष्णव, राकेश प्रजापति, दीपक प्रजापति ने व्यासपीठ का पूजन कर संतों का स्वागत किया। मैं कहना चाहता हूँ सबके कान चमके, क्योंकि गुप्त बात सुनने में सबको रस होता है। इस बार तो बहुत दिनों बाद आना हुआ। रोज सोचते हैं कि हाँ चलेंगे चलेंगे, फाइनली आज आए गए। मैंने सोचा कि अरे भाई साहब नमस्ते। ओहो नमस्ते भाभी। ये क्या अकेले अकेले भाभी जी को नहीं लाए? आज उसने मुझसे पूछा क्या बनाओ तो मैंने कभी मूर्त रोज बनाती है आज कुछ नया बना तब से मुंह फुला के बैठे। सुनो खाना तैयार। भाई मजा आया। भाई साहब कैसा लग रहा खाना? अरे भाभी जी क्या स्वाद क्या सुगंध, ये तो इसका कमाल है। अरे ये मेरा नहीं, ये तो कार्तिक मसालों का कमाल है। चंदानी एंड सन्स, एक कंप्लीट किराना मार्ट लाए हैं स्वाद और शुद्धता से भरपूर कार्तिक मसाले। बगैर मिलावट के शुद्ध मसाले, हर रसोई की पहली पसंद। साथ ही कार्तिक ब्रांड की कार्तिक चाय, घूट घूट में लाए ताजगी। कार्तिक डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों को देने जिंदगी। और शुद्धता से भरपूर तिल्ली मूंगफली सोयाबीन का कार्तिक तेल और चटपटे अचार में ब्रांडेड अगरबत्तियां। हर ग्रहण की पहली पसंद कार्तिक हींग, स्वाद व सुगंध से भरपूर। जन्म से लेकर विवाह तक सभी जरूरत का सामान उपलब्ध है तथा मांगलिक आयोजन हेतु पूजन सामग्री व सभी प्रकार का किराना सामान बेहद वाजिब दाम में। और तो और मक्खन, पनीर, चीज, फ्रेंच फ्राइज, नूडल, पिज्जा व फास्ट फूड बनाने के आइटम्स भी, साथ ही डिस्पोजल आइटम्स भी उपलब्ध और ड्राई फ्रूट की विशाल रेंज। तो आज ही चले आइए चंदन एंड सन्स, एक कम्प्लीट किराना मार्ट। चंदानी एंड सन्स, एक कम्प्लीट किराना मार्ट, चांगेट के अंदर लूम जी के ढाबे के पास ब्यावर। सामान की सूची भेजने पर होम डिलीवरी की सुविधा।